हेलो स्टूडेंट दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड से है एंड डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स इस पे अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है प्रीवियस ईयर में बट आप एक बार सर्च कर लीजिएगा अपने साइड से चलिए तो शुरू करते हैं क्या होते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्स हार्मोन्स होते क्या क्या हैं तो इस हम आपको समझा रहे हैं लेगा सिक्रीशन ऑफ हारमोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेक्सुअल करेक्टर कंट्रोलिंग बाई ब्रेन बाई ब्रेन ये जो हमारा सेक्सुअल हारमोन्स होता है ये जो हमारा सेक्सुअल हारमोन्स होता है ये हमारे सेक्सुअल करेक्टर को आ, को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये कंट्रोल होता है बाई ब्रेन जैसे कि सारे हारमोन्स कंट्रोल होते हैं बाई ब्रेन ऐसे ही हमारा जो सेक्सुअल हारमोन्स होता है वो ब्रेन के ज़रिए कंट्रोल होता है द सेक्स हारमोन्स आर अ ग्रुप ऑफ हारमोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग प्यूबर्टी रिप्रोडक्शन बर्थ एंड लैक्टेशन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं कई सारे हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं प्यूबर्टी के लिए जब भी हम यंग होते हैं उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए बर्थ के लिए और लैक्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स hormones डिसऑर्डर that affect the डिफरेंट ग्लैंड एंड ऑर्गन ऑफ the बॉडी that रिस्पॉन्सिबल for the प्रोडक्शन ऑफ सेक्स hormones जो सेक्स हार्मोन्स डिसऑर्डर होता है ये ये अफेक्टेड होता है कई सारे ये अफेक्ट करता है कई सारे ग्लैंड को ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स हारमोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब जो सेक्स हारमोन्स डिसऑर्डर होता है वो वो कई सारे ग्लैंड और ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उनके उन उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अच्छे से हमारे हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो कर पाते हैं तो सेक्स हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाता है इट इज़ आइदर एंड ओवर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन या तो इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो ये सही नहीं होता है और अगर कम प्रोडक्शन होता है तो भी ये सही नहीं होता अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो भी हमें कोई डिसऑर्डर हो जाएगा सेक्स हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाएगा और अगर ये कम प्रोड्यूस होता है तो भी डिसऑर्डर हो जाएगा फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन होते हैं एंड प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं ये दो मेन सेक्स हार्मोन हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के जो फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेन मेल सेक्स हार्मोन्स होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं एस्ट्रोजन की बात करते हैं और एस्ट्रोजन प्ले अ बिग रोल इन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ये जो हमारा एस्ट्रोजन होता है ये हमारे रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है बहुत बड़ा रोल होता है इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे प्यवर्टी में मैचोरेशन साइकिल में मीनोपॉज में प्रेग्नेंसी में इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज एस्ट्रोजेन हार्मोन्स रिस्पॉन्सबल होता है प्रोजेस्ट्रॉन का रोल क्या होता है प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है हार हारमोन्स हमारी फीमेल में वो रिस्पॉन्सबल होता है फॉर प्रिपेयरिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर फर्टिलाइज्ड एग एग को फर्टिलाइज करने के लिए यूट्रस में जो लाइनिंग की प्रिपरेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एस्ट्रोजन ये हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है सप्रेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन आफ्टर ओवल्यूशन ये क्या करता है एस्ट्रोजन जो हमारा प्रेगनेंसी में हेल्प करता है तो ओवलुएशन के बाद इसको सप्रेस करने में हमारा प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प करता है व्हेन हार्मोन्स बिकम अनबैलेंस कॉजेस सम सीरियस डिजॉर्डर यही हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये जब अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो ये डिसऑर्डर कॉज करने लगते हैं जैसे सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमारा फीमेल में दैट इज़ पी जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरिएशन सिंड्रोम इसमें क्या होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन इंड्रोक्राइन डिसऑर्डर एमंग यंग फीमेल पी सी ओ एस कैन कॉज इज इरेगुलर मैचोरेशन साइकिल पी सी ओ एस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरिएशन ओवरियन सेंड्रोम कहते हैं हम इसे ये इंड्रोक्राइन डिसऑर्डर होता है फीमेल्स में होता है यंग फीमेल्स में होता है ये जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेस्टोरेशन साइकिल्स होती है उसमें इरेगुलर हो जाता है वो टाइमली नहीं होता है जिसकी वजह से क्या होता है उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं इसका पैथोजेंसिस भी हम देख सकते हैं इसका पैथोजेनेसिस हम देख लेते हैं कि पी में होता क्या है तो पी में क्या होता है द हायर अमाउंट ऑफ एंड्रोजन दैट हैपेंस इन पी सी ओ एस कैन इंटरफेयर विद एग डेवलपमेंट एंड रिलीज जब एंड्रोजन का अमाउंट एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है ये एग डेवलपमेंट में इंटरफेयर करने लगता है और इसको रिलीज नहीं होने होने देता है तो जब हमारा एग जो होता है ये मैच्योर नहीं हो पाता है और एग के मैच्योर होने की जगह हमारा सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है देन इंस्टीड ऑफ़ एन ओवल्यूशन एज इन नॉर्मल पीरियड सिस्ट बिल्ड अप इन द इन द ओवरीज तो इससे क्या होता है हमारा एग रिलीज नहीं हो पाता है और ये हमारी ओवरी में ही एकूमलेट होने लगता है इकट्ठा होने लगता है जिसकी वजह से क्या होता है ओवरी का साइज़ इन हो जाता है बड़ा हो जाता है Female with PCOS might might not be ovulating or releasing an egg each month so main सो मेनी हैव इरेगुलर और मिस्ड पीरियड जिसकी वजह से क्या होता है जो फीमेल्स होती हैं पी की इसमें एग रिलीज़ नहीं होता है ठीक है टाइमली एग रिलीज़ नहीं होता है तो उनके पीरियड्स में इरेगुलर हो जाता है वो मिस्ड हो जाता है या आ, उनका जो टाइमिंग होता है वो बढ़ जाता है तो दिस इज़ आप पी और इसकी पैथोजेनेसिस भी हो गई अभी तक तो, तो ये नहीं आया है एग्ज़ाम में बट इट कुड भी पॉसिबल कि ये फ्यूचर एग्जाम में आए या इस बार भी आ सकता है ओके okay, तो हमने देख लिया फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में एक और डिजीज़ है दैट एक uh, जो दूसरी डिजीज़ है फीमेल सेक्स हार्मोन्स की दैट इज़ हायरेसिटिज्म दिस इज़ यूजली ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन मेल हारमोन्स Hirsutism is an increase in hair growth on the face chest abdomen and back it कैन टाइम बी अ सिम्टम्स ऑफ़ पी सी ओ एस ये जो डिसऑर्डर है सेक्स डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है कि फीमेल्स में एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और एंड्रोजन क्या होता है मेल हार्मोन्स होता है बट ये कुछ अमाउंट में फीमेल में भी पाया जाता है बट इसका लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है फीमेल्स में आ, उनको हेयर ग्रोथ आप ज़्यादा देखने को पाएंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो की तरह रहेगा उनकी जो वाइस रहेगी वो भारी रहेगी तो बहुत सारी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है एंड इट इट माइट बी सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस और ये पीसीओएस की फीमेल्स की जो पेशेंट होती हैं जो पीसीओएस की पेशेंट होती हैं उनमें भी ये सिम्टम्स देखे गए हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल सेक्स हारमोन्स डिसऑर्डर नाउ वी टॉक अबाउट द मेल सेक्स हारमोन्स तो इसमें जो मेन हारमोन्स होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी इन मेन इट्स रेगुलेट सेक्स ड्राइव बोन मास फैट डिस्ट्रीब्यूशन मसल मास एंड स्ट्रेंथ एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग मेल सेक्स कैरेक्ट्रिस्टिक स्पर्मेटोजेनिस एंड फर्टिलिटी क्या होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन्स से होता है ये मेल के फीचर्स को मेल के करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मसल मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टेस्टोस्ट्रॉन तो अगर हमारा टेस्टोस्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं हाइपोगोनाडिज़म उसे हम क्या कहते हैं हाइपोगोनाडिज़म इसमें क्या होता है है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है सिक्रेशन होता है वो क्या होता है कम हो जाता है जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है कम हो जाता है प्रोडक्शन कम हो जाता है तो men कैन एक्सपीरियंस डिक डिक्रीज़ सेक्स ड्राइव डिक्रीज एनर्जी डिक्रीज मसल मास एंड थीनिंग ऑफ मोन बोन अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेन मेन में कम हो जाता है तो जो मेन होते हैं उनका मसल मास डिक्रीज हो जाएगा उनकी बोन थीनिंग होगी उनको एनर्जी लो फील होगा तो ये सारे कारण होते हैं और इस डिजीज़ को हम कहते हैं हाइपोगिज़्म हाइपोगिज्म आर जेनेटिक डिसऑर्डर ये हाइपोगोनेडिजम एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है सॉरी मा, माता पिता से बच्चों में भी ये आता है तो अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो कौन सा डिजीज होता है हाइपोगोनेडिज्म तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स इस पर बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आया है बट इस पर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा राइट अ शॉर्ट नोट आउन डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड राइट वॉट इज़ दी सी ओ एस वॉट इज़ हाइपोग इसी लिए मैंने इस पर शॉर्ट नोट बनाया है अगर इसकी पैथोजेनिस भी आपको चाहिए आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो ड्रॉप मी आर कमेंट एंड थैंक यू सो मच